आज ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक हमारे ऑल माइक के झगड़े के साथ। तो यहाँ पे हम जा रहे थे पुराने मंदिर पे जो इरंगल में स्थापित हो चुका है रिसेंटली। तो यहाँ पे हम उतरे थे और पहले ही गन भाई शॉर्ट गन कहते बूम बाम नसीब है भाई, मतलब क्या ही बोलू भाई, मतलब बस यही तो चाहिए था मुझे। ठीक है चलो कोई ना, यहाँ पे आपको अभी हमारे टीममेट्स जिनको मैं जानता भी नहीं उनके तरफ से आपको हल्की सी कमेंट्री देखने मिल जाएगी कि उनको क्या मिल रहा है। और हम यहाँ पे मिल चुका क्रॉस, जी हाँ कती बूम बाम घटिया वाली कमेंट्री थी। तो यहाँ पे हम आ जाते एक ऐसे कमरे में जहाँ एक खतरनाक सी बुरी राक्षसी आपका इंतजार करती है कि आप आओ और मुझसे लड़ो। और मजाक की बात यह है भाई, अगर आपने उसको मार दिया तो आपको AWM देगी, मतलब भाई खुद ही बुलाती है और खुद ही मरवाती है। अलग ही लौंडी है भाई, ऐसे लौंडिया हमारे भारत देश में बहुत ही ज्यादा जरूरत है इनकी। और भाई ये कती नागिन डांस करवाती है सांपों से तो हम लोग को मरवाने के लिए भाई, पर सांप आप भाई एमो दे देते तो ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल मारामारी होगी थोड़ी बहुत। ये देखो हमारे टीममेट देख लो गाइस, इधर मैं और भाई लूसीफर हम दोनों मार रहे हैं गन के, हमारे एमो खत्म कर रहे हैं। ये लौंडे इधर भाई कती बॉक्सिंग खेल रहे भाई उसके साथ, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है तो चलो हम धीरे धीरे करके मारेंगे राक्षसिन को, देखते। और ये सांपों से तो भाई एमो ही लेना है और कोई ना। और ये फाइनली इस राक्षसिन को हमने मार दिया। अभी आप हमारे टीममेट्स को देख लो भाई, मतलब AWM देख लो। ओ भाई ओए मारा वारा कुछ नहीं गाइस, AWM का एमओ मेरे पास है, ATX भी मेरे पास है, पर भाई गन कोई और उठा लिया। मतलब भाई इतना AWM का भूख कहाँ से लाते हो भैया, कहाँ से। ठीक है चलो उसके लिए भी माफ कर देते हैं हम, ठीक है कोई ना। यहाँ पे हमको ना शॉट्स आते हैं पेट्रोल पंप ब्रिज की तरफ से, तो हम यहाँ पे रुकाते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई इसको कैसे मारा बे, हमको भी मार दिया। चलो ठीक है हेडशॉट मार दे कोई ना, सिमेट्री के पीछे मार दे तो भी हमको लगता है कि डी सिंक है। चलो मतलब आपके हिसाब से डी सिंक है तो मैं भी बोलता हूँ कि डी सिंक है। हमको दिखता है कि वो फ्लैंक कर रहा है जो भी है जहरीली, तो हम बोले कि ठीक है चलो देखते हैं अभी इनको मारने का ट्राई करेंगे। पर यहाँ पे वहाँ वापिस हेडशॉट से यस गोकू नॉक हो जाते हैं, तो हम और यहाँ पे हमारे लूसीफर भी नॉक हो जाते हैं सेम हेडशॉट से। तो भैया निकल ये तो तय था, आ गए भैया हैकर आ गए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो मरना कंफर्म था गाइस, तो इसका तो कुछ सवाल ही नहीं बनता भाई। चलो ये मैच तो गया फुकट का, तो भाई इतने दूर से इसका तो छोड़ ही दो गाइस। भाई भाई रुक जा इसका गेम देख, तो मैं आपको इनका हल्का सा गेम दिखा दूंगा अभी। हैकर खेलते कैसे, अभी देखो गाइस स्पॉट हो गया है मस्त एकदम, वेट कर रहे हैं कि कभी आएंगे ऊपर। और ये बूम बाम, चलो एक नॉक निकाल दिया है यहाँ पे, बहुत ही आड़ बहुत ही आड़। मैं बोल रहा था फैजू भाई को भाई टिकटॉक से हटो और ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ, पर नहीं चलो कोई ना। और देखो भाई कते ही भाई बिना ADS खोल के, मतलब भाई हम तो भाई सी बैठे हैं यहाँ पे फुल एकदम भाई ADS खोल के प्रैक्टिस करते हैं, पर यहाँ पे मजा आता है हैकर को भर देता है कोई मर गई भाई, मतलब भाई अलग इज्जत है तेरे लिए ब्रो, अलग इज्जत। तो चलो
इनसे भी हम बोर हो जाएंगे और हमको नया मैप चालू करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं मीरामार पे। तो मीरामार पे वापस हम पुराने मंदिर पे ड्रॉप ले लेते हैं गाइस। पहले तो हमारा पैराशूट ग्लिच हो जाता है, तो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको दिखता है कि यहाँ पे दो स्क्वाड उतरे हैं, ठीक है, दोनों थ्री मैन स्क्वाड हैं। तो भी देखो हम इनको क्लियर कैसे करते हैं भैया। एक तो स्क्वाड लेट उतरी थी, इनको तो स्प्रे ट्रांसफर से क्या ही मारा था एक एम से। ये आ गए तीसरे बंदे और ये तीनों बंदे डाउन। ये रैंडम था एक इनका शायद, तो इसलिए किधर और चला गया था वो। तो यहाँ पे और एक स्क्वाड और ये मेरे, मैं जो जिसके बाजू से गया गाइस, मतलब भाई अलग अलग लेवल का भाई नूब था ये, मैं क्या ही बोलूं। और यहाँ पे कतई जोनाथन वाला एकदम भाई डेजिगल वाला फीलिंग आ रहा था मेरे को। तो हमने पूरा भर दिया सारे तीनों के तीनों स्क्वाड को भाई। गन मिले तो इधर राजा रहता, तो भाई क्लच ही क्लच कर दिया। तो यहाँ पे हम उड़ी मार देते हैं गाइस, क्योंकि भाई ड्रॉप का लालच किसको नहीं होता। तो हमको ड्रॉप दिख जाता है, पर हमको यहाँ से आ जाता है एक ग्रोजा का आवाज। तो हमको पता चल जाता है भाई ड्रॉप के अंदर कुछ नहीं है, चलो भैया अपना अपना लेके चलो, ठीक है। सर पास पे तो ठीक है, हम लोग चलते हैं वो ग्रोजा वालों को मारने। पर जैसे ही मैं ग्रोजा वालों पे देखता हूँ, मुझे ना पीछे से शॉट्स आ जाता है, हमारे बॉड भैया केड़ी के पालनहार, इनके बिना हमारी केड़ी कभी बढ़ेगी ही नहीं। तो यहाँ पे हम दे देंगे इनको एक पट से हेडशॉट आराम से, एकदम आराम से। और यहाँ पे और एक बॉट आ जाएंगे हमारे पास, जो हमको फ्री इनविटेशन दे देते हैं, ये लो मेरा किल लो। तो हम ले लेते हैं, हम बहुत ही सीधे साधे बच्चे हैं गाइस। तो यहाँ पे वो ग्रोजा वाले एक और एक बॉट को गिरा देता है, तो किल चोरी। यहाँ पे हम स्प्रे हाँकते हुए, तो यहाँ पे हम सोचते कि ए डब्ल्यू एम चिपकाई जाए। ओ भाई दे दी पट से, और ये ग्रोजा वाला हमको भर देता है गाइस। उसको एक बॉडी कनेक्ट हो जाता है, पर कोई ना, हमारे प्रिय मित्र एजेंट हमको रिवाइव देने आ जाते हैं एक स्मोक का वेस्टेज करके करते हुए, क्योंकि हमारे पास रिश्ता। पर कोई ना, होता है। तो ये ग्रोजा वाला कतई नूब था मेरे हिसाब से। तो हमने सोचा कि हील करे बिना एक पट से, ओ भाई साहब भर दिया भाई। तो हमको ऐसे लगा कि भाई ये फिनिश कैसे नहीं हुआ। तो मैंने एक अंदाज लगा दिया कि गाइस इसका वो पहला बंदा जिसको मैंने मारा था वो रिवाइव हो चुका है। तो हम हील कर लिए और हम डाल दिए एक बम्बारी भाई, कतई टेररिस्ट भाई। देखो एक क्या ही किधर नेट डाल दिए क्या पता, और नेट से फूट गए भाई, मतलब भाई अलग ही लौंडे। और यहाँ पे भाई क्या ही बैठे थे, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं। तो ये तो हो गया, यहाँ पे ये सर लेके बैठे थे दो ग्रोजा। ये दो ग्रोजा भाई क्या भाई क्या ही कॉम्बो यूज कर दो भाई। बिग फैन सर, बिग फैन। तो वापस जॉब के लालच में आ गए और एक एम पड़ी हमको, पर हमने भर दिया उनको पट से, बूम। हमारे ए डब्ल्यू एम से कैसे बचोगे भैया? ये देखो भाई, मतलब भाई इज्जत ही नहीं है ब्रो, इज्जत ही नहीं है एंटीना बॉट मारते हुए भाई, क्या ही बोलू मैं। ठीक है चलो, अपने ही लोग है तो माफ कर देते हैं हम भी। यहाँ पे चिकन डिनर कंफर्म था गाइस, कंफर्म, एकदम कंफर्म। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी मस्ती की जाए, पर आना गाइस, क्योंकि अभी ऐसे बंदे आ रहे थे लॉबी में, तो क्या ही बोलूं मैं। तो हम यहाँ पे आ गए बंदों की खोज में। हम सोचते हैं कि अभी लास्ट के पांच बंदे ही बाकी है, तो मस्ती के द्वारा क्रॉसबो का प्रदर्शन किया जाए। तो हम उठा लेते हैं क्रॉसबो और AWM। सीजन 6 के लिए लाइनअप भी चाहिए COD मोबाइल के लिए। तो कोई अच्छे खेलने वाले बंदे हो तो मेरे को, इंस्टाग्राम का पेज का नाम भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
उसको भी आप जाके फॉलो करके मेरे को डीएम कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे चिकन डिनर तो निकल जाता है, हम जैसे ही स्पॉट करने जाते हैं भाई हमारे लेजेंड भैया मार देते। तो गाइस ये हमारा पहला ऑब्वियसली पहला वॉइस ओवर था, तो अगर अच्छा नहीं हो तो बता, मतलब भाई थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, पहला वॉइस ओवर है, अच्छा करूँगा नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस। तो हाँ, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब पूमा कहते भाई, एकदम फाड़ दो भाई सब्सक्राइबर्स, ठीक है? चलो बाय।